नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, एंड्रॉइड और आईओएस नहीं चलेगा। तो भाई साहब, इंडिया का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बाहर ओएस बनकर तैयार हो चुका है, अब यहाँ पे गूगल और एप्पल का क्या होगा, चलिए जानते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आईआईटी मद्रास ने अपना खुद का यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम निकाला है स्मार्टफोन्स के लिए, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका नाम दिया है उन्होंने भार ओएस, या फिर इसको भारत ओएस भी बोल सकते हो। वैसे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के मामले में काफ़ी अच्छा हो सकता है, बिकॉज ये प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर काफ़ी फोकस करने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कि ये जो ओएस होने वाला है भार ओएस, ये एंड्रॉयड से कैसे अलग होने वाला है और ये एंड्रॉयड को कैसे रिप्लेस करने वाला है। तो गाइज, ये जो भार ओएस या फिर भारत ओएस है, ये जो है एक्चुअली एंड्रॉयड से अलग नहीं होने वाला है, बिकॉज ये एंड्रॉयड के एओएसपी प्रोजेक्ट यानी कि एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के ऊपर ही एक कस्टम ओएस है, यानी कि इसमें आपको एंड्रॉयड जैसा ही सब कुछ देखने को मिलेगा, बिल्कुल ही एंड्रॉयड के ऊपर इसको बनाया गया है, तो ये एंड्रॉयड का ही आपको एक्सपीरियंस देगा। बट इसमें क्या होगा ना कि इसमें आपको गूगल की कोई भी एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगी, जैसे कि यूट्यूब, जीमेल, गूगल मैप्स, गूगल ड्राइव, ये सब चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, आप चाहो तो इनको इंस्टॉल जरूर से कर सकते हो, बिकॉज इसमें एंड्रॉयड के सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो आप। एक और बात कि यहाँ पे आपको गूगल का प्ले स्टोर भी देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल नहीं कर सकते, इसमें इनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इनका जो ऐप स्टोर होगा वो भी खुद का होगा, और इस ऐप स्टोर में वही एप्लीकेशन होंगी जो कि पूरी तरह से यहाँ पे सिक्योर्ड होंगी। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है भार ओएस या फिर भारत ओएस, ये एंड्रॉयड से अगर अलग नहीं होने वाला है तो इसको बनाने का क्या फायदा, क्या हम इंडियंस यहाँ पे खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं बना सकते? तो देखो, बना तो जरूर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारी दिक्कत आएंगी। अभी अगर आपको याद होगा कि जिस टाइम पे जितने भी सारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स थे वो यहाँ पे एंड्रॉयड को अडॉप्ट कर रहे थे, उस टाइम पे नोकिया ने क्या किया था आपको याद ही होगा, नोकिया चल गए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के पास, और यहाँ पे एंड्रॉयड की जगह विंडोज़ के साथ इन्होंने दोस्ती कर ली और विंडोज़ के यहाँ पे फोन्स इन्होंने लॉन्च करने लगे। अभी से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम तो बना दिया विंडोज़ फोन ओएस, बट इसके लिए अब एप्लीकेशंस कौन बनाएगा? बिकॉज आपको पता है कि मार्केट में जितने भी सारी कंपनीज हैं वो यहाँ पे या तो आईओएस के लिए या तो एंड्रॉइड के लिए ऐप्स बनाती है। अगर व्हाट्सएप के लिए इंस्टॉल करने जाओगे तो व्हाट्सएप यहाँ पे आईओएस के लिए आता है, एंड्रॉइड के लिए आता है, ठीक है। उसी तरह बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि एंड्रॉइड में अवेलेबल है, आईओएस में अवेलेबल है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत यही हुआ कि इसके लिए कोई ऐप्स नहीं बना रहा था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। अगर आप ऐप्स बनाने जाओगे तो वहाँ पे खर्चा आएगा, देन उसको मेंटेन रखने के लिए उसमें कोई भी बग्स वगैरह आता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको सॉल्व करना पड़ता है, तो इसी कारण से यहाँ पे उसके लिए कोई ऐप्स वगैरह नहीं बना रहा था। तो ये भी एक बड़ा कारण था विंडोज फोन ओएस के डाउनफॉल का। वैसे कारण और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको अलग अलग स्मार्टफोन के हिसाब से, अलग अलग हार्डवेयर के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना होगा, बिकॉज एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को आप सभी स्मार्टफोन में ऐसे इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसको अलग अलग यहाँ पे डिजाइन करना पड़ता है अलग अलग हार्डवेयर के हिसाब से। तो अभी ये जो भार ओएस है कस्टम ओएस है, कस्टम रोम है, और कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने स्मार्टफोन को रूट करना पड़ता है, फिर उसमें कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करनी पड़ती है, फिर आपको बूट लोडर अनलॉक करना पड़ता है, देन उसके बाद आप जाके कस्टम रोम को इंस्टॉल कर पाते हो अपने स्मार्टफोन में, तो ये काफी थोड़ा सा झमेला हो जाता है। तो सबसे बेटर चीज ये होगा कि अगर ये किसी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं और कोलैबोरेशन करके ये लोग स्मार्टफोन निकालते हैं अपने ओएस के साथ, भार ओएस के साथ, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ होगी। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि यहाँ पे सारे एंड्रॉयड ऐप्स को आप इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि सभी एंड्रॉयड ऐप्स सपोर्टेड है, तो ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है इसमें। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स की माने तो कुछ यहाँ पे आपको एडवांटेजेस देखने को मिलेंगे भार ओएस यानी कि भारत ओएस में। सबसे पहले तो आपको क्लीन ओएस एक्सपीरियंस मिलेगा, बिल्कुल यहाँ पे क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई भी आपको आलतू फालतू की एप्लीकेशन इसमें प्री इंस्टॉल नहीं मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा तो वो काफ़ी अच्छी बात है। इनका खुद का प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विस होगा, यानी कि पास जो प्राइवेट इनका ऐप स्टोर है वो आपको मिलेगा। इसके साथ यहाँ पे आपको नेटिव ओटीए अपडेट्स मिलेंगे, यानी कि नेटिव ओवर द एयर अपडेट्स मिलेंगे। आपको अपडेट्स के लिए टेंशन नहीं लेना है, बार बार चेक नहीं करना है, अपडेट आएगा ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ करी है इन लोगों ने। तो गाइज, मैंने आपको बता दिया कि ये भार ओएस क्या है और इसमें क्या कुछ स्पेशल होने वाला है, तो एक लाइक जरूर से कर देना अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो, और ऐसे ही कमाल की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और तड़कते फड़कते टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।